जोहार हजारीबाग, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, 5 जून को मनाया जाता है। और हम लोग हजारीबाग के ऐसे जगह पे आए हैं जो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ये जगह है, यही वो जगह है जहाँ पे सर बुलु इमाम रहते हैं, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये उनका आशियाना है। ये पूरा क्रॉस करके एरिया दीपूगढ़ में ये जगह है। इनके घर के बाहर हजारों पेड़ है, लाखों लाखों पेड़ तो नहीं है, हजारों पेड़ है, ज़्यादा बोल दे रहा हूँ एक्साइटमेंट में, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हजारीबाग का सबसे ग्रीन प्लेस यही है, यहीं बुलु इमाम रहते हैं। हमने उन्हें फ़ोन किया था कि आज एनवायरनमेंट का टॉक करने के लिए या पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उस पर बात करने के लिए बुलु इमाम जी को फ़ोन किया था। उन्होंने बोला था ठीक है आप 5 बजे आ जाइए, हम लोग थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन हम जाके देखेंगे क्या बुलु इमाम जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सीरियस आदमी होते हैं, कभी कभी अगर हम लेट से गए तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन चलते हैं, हम देखते हैं वो कहाँ बैठे हैं, उन्हें ढूंढेंगे। और हम लोग तो लेट हो ही गए हैं, पता नहीं वो क्या करेंगे हमें। देखिए बुलु इमाम जी सामने हमें दिख रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो। देखिए किस तरह से पूरा ग्रीनरी के बीच में बैठे हुए हैं और एनवायरनमेंट में काफ़ी दिनों से काम किया है, तो उनको बात करेंगे और जानेंगे एक्चुअली में आज का जो एनवायरनमेंट क्या कैसा है और क्या चल रहा है। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर, वी आर हियर विथ यू टू मीट यू आर टॉक ऑन एनवायरनमेंट। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसके लिए आपसे हम लोग बात करने के लिए आए। लवली, थैंक यू। And it's a very nice day because I have with me the celebrated Dr. Felix Padem. Okay, sir, we will talk to you after some time. Thank you so much. Good to meet you. बहुत बहुत बधाई। आप हिंदी पता नहीं समझते हैं कि नहीं? Do you understand Hindi? हाँ, बिल्कुल समझते हैं। ओह, समझते हैं। Oh, he also understands Hindi. आप हिंदी में बात करेंगे कि? हमारा क्राउड हजारीबाग का है तो हिंदी में बात करते हैं सर। Okay. I thought English was very Anglophile in India, झारखंड, झारखंड, सेंट जेवियर्स, बट फिर भी हिंदी में ही बात करते हैं। आज का क्या है सर एनवायरनमेंट? आप देखिए गर्मी किस तरह से बढ़ती जा रही है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं हजारीबाग के, बिजली की भी समस्या है, उसके बाद भी आप बताइए क्या है मेजर प्रॉब्लम। मैं इतना सवाल तो आपसे कर नहीं पाऊंगा जितना आप जवाब दे पाएंगे। जवाब और सवाल का नहीं है, बात है कि हम लोग हिंदुस्तान में समझते नहीं कि इंसान कितना भूभक जाता है। क्या हम लोग जो है देश नहीं दुनिया को बर्बाद करके जला दिए हैं और जलाते जा रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि क्यों जल रहा है। मैंने पर्यावरण का तो स्थिति जो है मनुष्य का बनाया हुआ है, ये तो कोई वातावरण जो बदल रहा है ये कोई पर्यावरण का ये नाटक नहीं है, ये तो इंसान ही का नाटक है ना। हम तो 40 साल पहले अब जब याद करते हैं, हम कोयला का खदान का विरुद्ध जब लड़ाई करते थे जिसके लिए हमको गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था, तो वो लड़ाई हम जब किए थे तो यही किए थे करने के लिए कि आपका कोयला का खदान बनाने में कितना हानि होता है वातावरण में, बिकॉज आपका कोयला को जलाने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ये सब कुछ जानता है कोई, तो बताने की जरूरत नहीं। अब तो बच्चे लोग स्कूल में ये सब पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब बात रहा कि इतना करने के बाद और लोग को जानने के बाद भी, तो भी अभी देखिए एक गवर्नमेंट बदलता है, दूसरा आता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, दूसरा जाता है, तो पॉलिसी तो चेंज नहीं होता है। इसको बोलिए नेहरू शुरू किए थे तो नेहरूवियन सोशलिज्म बोलते थे, करते करते अलग अलग डेफिनेशन मिला, but the fact of the matter is that the policy of development did not change. It was not environment friendly, and also I will have to say that it was not people friendly, because ye sab karne mein aapka log visthapit bhi hote hain. Bilkul. सर एक कर्णपुरा वैली पे आपका बहुत सारा आर्टिकल पढ़ा है और बोलिए अब तो वो बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हाँ, तो बात होता है कि जब आदमी जब मर जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। हम तो अभी यहाँ बैठे हैं संस्कृति में दफनाने के लिए सब कुछ को, यहाँ आपको बचाने का रास्ता नहीं बता सकते। आपने बहुत बचा के रखा है अभी एनवायरनमेंट। तो मेरा घर तो बहुत बचा हुआ है। बचा हुआ है। हाँ, अभी भी यहाँ पे मतलब 2-4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है दिन में भी। हाँ, 4 डिग्री तो जरूर फर्क है सब जगह से। हालांकि एयर कंडीशनर मेरा घर में सब जगह, लेकिन हमको खास जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल, तो ये हम लोग संस्कृति में है। अभी यहाँ पे जो सर का जो घर है आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी है। कहाँ से शिफ्टिंग हुआ, जो मेजर चेंज था, जो आप जैसे हम लोग तो खैर 86 में बॉर्न हुए हैं तो उसके बाद से उसके पहले जो था मेजर 86 में पहले 86 किया। हाँ, माय गॉड, इतने जल्दी? हाँ, तो बहुत छोटे हैं तो इसीलिए सर बोल रहे हैं। शिफ्ट कहाँ से हुआ? ही इज बोर्न इन 1986। तो बच्चा है एकदम। चेरी भी तो 86 में पैदा हुई थी। आप 34 साल के? तो शिफ्ट कहाँ से हुआ सर, मेजर शिफ्ट जो हुआ, मतलब बर्बाद करना जब शुरू कर दिया झारखंड को लोगों ने? द शिफ्ट स्टार्टेड नॉट नाउ, स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी
18 शताब्दी से लोग को पता चला था. स्वीड आरहीनियस सेड इन द 18th सेंचुरी द स्वीडिश साइंटिस्ट के इफ वी गो ऑन माइनिंग द कोल एंड बर्निंग इट द वर्ल्ड विल बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. तो इसको तो कोई समझा नहीं. फिर इसका बाद में एक एक वैज्ञानिक एडवर्ड गोल्डस्मिथ का हम जरूर नाम लेंगे बिकॉज ही पब्लिसाइज्ड इट अ लॉट इन द इकोलॉजिस्ट. इट वाज हिज ग्रेट मैगजीन ऑफ द 60s. बट नोबडी पेड अटेंशन एंड देन इट वेंट ऑन. तब लोग बोले कि यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, यू आर हार्मिंग द एनिमल्स बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. देन 1970s वी सॉ द ब्रंटलैंड कमीशन and we saw the banning of the tiger hunting and this and that, but the fact of the matter remains ke zyada to kuch hua nahi jitna hona tha. I can compare environment protection to the Hazaribagh electricity supply. It has been worked on for many years but it has not improved. Exactly. mehnat bahut ki hai, discussions bahut ki hai, but it never improved. तो जैसे बहुत सारे लोग 5 जून को, जैसे आज है, हर साल की तरह इस साल भी लोग सिंबॉलिक पौधा लगाते हैं, ये क्या? आई डोंट बिलीव इन सिंबोलिज्म, आई बिलीव इन रियलिटी. दैट इज व्हाई आई डोंट मार्क 5th of June. आई डोंट मार्क एनी डे. यू विल से डोंट यू मार्क समवनस बर्थडे, आई सपोज यू डू. सो इफ आई रिमेंबर्ड इट वाज 5th of June, आई वुड से हेलो 5th of June. बट आई डोंट थिंक दैट वी शुड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ symbols only. Symbols is for communication. And when you don't have your heart in something, what's the use of communication? I mean, अब तो शायद हम लोग बहुत दूर निकल गए हैं. अब क्या बदलाव आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता. I must be very frank with you. And Dr. Felix Podell is one of the world authorities as also on climate, not only on other aspects of social complexities. He's one of the world's great authorities. आप लोग बहुत क्या बोलिएगा, किस्मत वाले लोग हैं जो फिलिक्स पटेल के सामने बैठ के बात कर सकते हैं. मगर वो भी आपको बता देंगे. आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग इन सेइंग दिस. हम गलत है तो वही बता देंगे. आई पर्सनली थिंक वी पास द चांस ऑफ इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट. मतलब अब कोई चांस नहीं बचा है. इतने हम लोग गैर गुजरे हो गए हैं एनवायरनमेंट को नुकसान करते करते कि अब उसको वापस उभारना बहुत मुश्किल है. आई से दैट लेकिन ऑल द नॉलेज एंड अथॉरिटी ऑफ माई 80 years. That you can do nothing. It's finished. It's over. Sir, ये बताइए, अब जैसे आप 80 साल के बर्बाद होते चला जाएगा. It will go down. We're on a downward curve. We're not on an upward curve. Sir, अब आप 80 साल के हो गए हैं और thought process अब कैसा रहा? अब किताबें लिखने वाला जो जुनून था आपका 35 साल वाला, वो नहीं उसमें क्या था? नहीं, ये नहीं कि मेरा दिमाग बंद हो रहा है इसलिए हम अब हम कम मेहनत करना चाहते हैं. ये बात तो नहीं है. मगर बात है कि हम अब अपना समय को अच्छा अच्छा चीज़ में बिताते हैं. कुत्तों के साथ खेलते हैं, बच्चे लोग के साथ खेलते हैं, पर्यावरण के बीच में बैठते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सोच में अपना ज़्यादा समय देते हैं, पर्यावरण का लुत्फ लेते हैं. इतना सुंदर घर में हम रह रहे हैं. तमीम अपने ऐसे ही करके सिर्फ घुमा लीजिए, ऐसा एक बार घुमा करके मेरे लिए कर दीजिए. ऐसा घुमा, ये जो ग्रीनरी है यही मिस करते हैं हम लोग जब किसी और के घर जाते हैं. आजकल जहाँ जहाँ ग्रीनरी होता है लोग वहाँ वहाँ काट दे रहे हैं. ग्रीनरी है वो बरकरार है. आ जाइए वापस, अब दिखाइए लोग, हम लोग वेयर आए हमसे. दिस इज द प्लेस, यही जगह है. हम आपको दिखा दिए ना हम कहाँ बैठे हैं. आप पूछ रहे हैं मछली को आप कहाँ हो, तो बोल रहे हैं हम तालाब के नीचे में ठंडा पानी में बैठे. हम एकदम बड़ा जंगल के अंदर में यहाँ बैठे. बड़े बड़े 300 साल इतना बड़ा जंगल शायद ही अब कहीं. हम बचा के रखें. हम बचा के रखें, नहीं तो ये नहीं रहता. तो देखिए, पर्यावरण है एक चीज बचाने का. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बोलने से नहीं चलता है. इसको आपको बचा, देखिए एक बड़ा चीज आपको अभी हम बताएंगे. आजकल हम लोग को मिलते हैं 5th एनवायरनमेंट, हम क्या करेंगे? तो कोई बोलेगा आई वेंट टू द नर्सरी और नर्सरी से आई बॉट वन प्लांट. इतना बड़ा प्लांट ला के रख देंगे. तो ये तो सिंबल हो गया, उसे परिवर्तन तो नहीं बचा. अब और कुछ किए हैं कि नहीं? अब और कुछ नहीं किए और सबको यही कह रहे हैं. यही कह रहे हैं. सोशल मीडिया में फोटो डाल रहे हैं कि मैं प्लांटिंग कर रहा हूँ. बस हम प्लांटिंग कर रहे हैं. और देखिए हमारा रोज गार्डन कितना अच्छा है. तो फेसबुक में गुड मॉर्निंग करके सबको अपना गार्डन दिखा रहा है. दैट्स नॉट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन.
तो अब क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जैसा लोग अगर चाहे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन किया जाए, सच में किया जाए, जेन्युइनली किया जाए, हाँ, तो हम किस डायरेक्शन में हम एफर्ट लगाएं कि वो बचे? देखिए, लोग बोलते हैं वेयर योर हार्ट इज देयर योर वेयर योर माइंड इज देयर योर हार्ट विल बी. जहाँ आपका दिल दिमाग जहाँ पर है वहाँ आपका दिल रहेगा. वेयर योर माइंड इज देयर योर हार्ट विल बी. कीप योर माइंड इन नेचर, योर हार्ट विल गो टू नेचर. हम आपको एक अच्छा चीज बता रहे हैं. आई टेल ऑल चिल्ड्रन, आई टेल ऑल टीचर्स, आई टेल एवरीबडी, कीप योर माइंड एम्बेडेड इन नेचर, वेदर इट इज विथ एनिमल्स, वेदर इट्स प्लांट्स, whether it's aquatic life, whether it's arboreal life, whether it's plant life, keep your mind embedded in nature. If your mind is embedded in nature, then love for nature will come into you. And if a love for nature comes into you, then you will save nature. You will want to save nature. Or Jagdish Chandra Bose, the great scientist of Bengal, taught us that plants have life. Exactly. Yes. I don't want to go into a scientific exposition on this, but plants have life. If plants have life, well, then why don't you use it? Love a plant, it will give you back love. Love a plant, it will give you back growth. Hamara ye jungle jay jungle kyun bana? Because I love it. If you love a thing, it grows. Because love creates growth. Ye koi naya baat hum nahi bol rahe hain. ये कोई पीर का कहा हुआ बात नहीं है, ये कोई संत का कहा हुआ बात नहीं है, ये तो सब कोई जानता है. बच्चों को प्यार कीजिए तो बच्चों आपको प्यार देगा. दे से दैट देयर वर सेंट्स हु यूज्ड टू वॉक एंड टॉक विद द बर्ड्स, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, द बर्ड्स यूज्ड टू कम. मेनी पीपल से दैट दिस हैपेंस विद मेनी सेंट्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज लव, एंड व्हेन देयर इज लव देन नेचर कम्स टू यू. तो आप यदि सच में आपको पर्यावरण से प्यार है तो आप सबसे पहले पर्यावरण को प्यार तो कीजिए. आप कोई चीज को प्यार करते और प्यार दिखाते नहीं है तो ये किस प्रकार का प्यार है? बिल्कुल. आप सिर्फ सोचते हैं साइन बोर्ड लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, प्लांट को गिफ्ट में खरीद के लोग को देंगे, कार्ड में छापेंगे, दैट्स नॉट लव. सिंबॉलिक हो जाएगा. नो नो, सिंबलिज्म इज नॉट. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉरेस्ट बचाया है पेड़ लगा के. बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो. I always congratulate people who are planting trees and making forests. Genuine काम कर रहे हैं उनके. Yes, yes. So you must applaud a genuine endeavor, whether it's big or small. लेकिन आज का generation कहाँ जाएगा? देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा गलती क्या है ना? I'm a grandparent, but there are other people who are parents. What example? उन लोग अपने बच्चों को क्या example दे रहे हैं? मतलब उन लोग क्या उन क्या mindset दे रहे हैं बच्चों को? क्योंकि व्हाट द पेरेंट इज दैट द चाइल्ड विल बिकम. आप इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन, एग्जाम्पल इज एजुकेशन. तो आप क्या एग्जाम्पल उनको दे रहे हैं? ये सिम्बॉलिक और रिचुअल अप्रिसिएशन ऑफ नेचर इज नॉट एडिक्वेट. यू हैव टू हैव अ रियल लव फॉर नेचर एंड अ रियल डिवोशन. आप देखिए, जंगल में जाइए, गाँव सब में जाइए जहाँ पर लोग रहते हैं, आदिवासी हो या जनजाति हो या जो भी हो, शेड्यूल कास्ट जो भी जाइए, तो उन लोग का जगह में हरियाली जो है ना अभी भी बहुत. तो इसका माने कि उन लोग उसको प्यार करते हैं और उस प्यार के चलते वो चीज अभी फल फूल रहा है. तो आवर एग्जांपल इज देयर. आप हजारीबाग का बाहर चले जाइए, आप जहां भी जाइएगा आप देखिएगा कि हरियाली है. तो इसका माने वहां हरियाली है, मगर आप बंसीलाल चौक जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा. शहर में तो बिल्कुल. आप शहर में जाइएगा, हजारीबाग लेक्स में भी जाइएगा, झील में भी जाइएगा, तो दैट इज आर्टिफिशियल ग्रीनरी. इट इज नॉट अ रियल ग्रीनरी, आर्टिफिशियल ग्रीनरी. तो आर्टिफाइस इज नॉट रियलिटी, आर्टिफाइस इज डिसेप्शन. आर्टिफाइस इज डिसेप्शन माने आप कोई को आप गधा बना रहे हैं इसे दिखा कर. दिखाना नहीं है. तो ये प्लास्टिक का फूल बना दिया या सीमेंट का डिजाइन कर दिया, तो दैट इज नॉट रियलिटी. खैर, अब पर्यावरण के पर बात करते करते एक बात हम जरूर बोलेंगे कि जो सोहराई पेंटिंग जो झारखंड में आए हैं, जिससे मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो सोहराई पेंटिंग पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है कि नेचर से जुड़ाए हम लोग का जुड़ाव दिखा दिया. सोहराई पेंटिंग एक ऐसा पेंटिंग है कि उसका जितना आप चित्र देखिएगा, जानवर का हो, पंछी का हो, पौधा का हो, वो आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ नेचर. तो बच्चों को सोहराई पेंटिंग सीखने में बहुत लाभ फायदा है
और चौराहे पेंटिंग एयरपोर्ट्स में है, ट्रेन्स में है। अब तो हम सजेस्ट किए गवर्नमेंट को एरोप्लेन्स में भी लगाने के लिए। आई नाउ सजेस्टेड एयर इंडिया शुड हैव सोराई लाइक बालेरिंजी स्टूडियोज डिड फॉर द ओरिजिनल आर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। हम अभी हम आए हुए थे, दूरदर्शन का भी एक मेरा इंटरव्यू है, आप बहुत लोग देखे भी होंगे। हम दूरदर्शन में इस पर हम एक बात किए हैं कि आप एयर इंडिया शुड द नेशनल कैरियर शुड हैव पेंटिंग्स। आई सजेस्टेड सोराई, आप सोराई नहीं मांगते, पुट समथिंग एल्स, बट आई थिंक दैट सोराई इज अ वेरी गुड आर्ट। तो खैर, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सिम्बलिज्म पर हम लोग लौट के वापस आ गए। सो सिम्बलिज्म इज अ यूजफुल थिंग, नॉट दैट इट इज नॉट। और सोराई पेंटिंग इज अ सिम्बलिज्म। और आदिवासी लोग पंछी और जानवर क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे लव एनिमल्स, सो दे आर मेकिंग एनिमल्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर वेल आई मीन बाय एग्जाम्पल एडुकेट when you tell your children this is, if you ask my wife Philomena, she will tell you that my drawing that this deer is talking to that leaf, this bird is talking to the animal. मतलब भाई, where do you get this idea, आपके दिमाग में? तो बोलते हैं हम, मेरा पेंटिंग ऐसे ही बनता है। तो I talk to artists and I learn from them that it is in their mind, then they put it in the heart and then they express it from the mouth or the hand with the eye. तो हम लोग तो बात कर रहे थे एनवायरनमेंट पे, लेकिन अब आए हैं तो सर से पूछ ही लेते हैं, बाकी का जो आपका लाइफ अब बचा है, जो भी है उसमें आप क्या कर रहे हैं और बेस्ट आपका जो है, क्या वो आना बाकी है या फिर आ चुका? देखिए, 80 साल के बाद में आदमी को बोलने का हक है। हमको तो लगता है दैट द वेरी लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ शुड बी द बेस्ट। आई मीन दिस ओनली बीइंग प्रैक्टिकल, क्योंकि नहीं तो आप इतना साल जिए क्यों? यू डिडंट अचीव ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, विजडम इफ यू वांट टू कॉल इट, विदाउट कमिंग टू द पॉइंट दैट द बेस्ट शुड बी द लास्ट। द स्वीटेस्ट मोमेंट शुड बी गुड बाय, दैट शुड बी द स्वीटेस्ट मोमेंट। एंड दैट इज इफ अ लाइफ इज परफेक्ट, ऑल थिंग्स आर नॉट परफेक्ट। मगर हम अपना जीवन में, मेरा जो लिखना जो है, आई राइट एवरी डे लिटल, माई थॉट्स आर गेटिंग मोर ब्यूटिफुल, मोर प्योर। बच्चों के साथ में या जानवर लोग के साथ में हम चिड़चिड़ाते अब नहीं, आई गेट मोर अफेक्शनेट। मोक्ष प्राप्त हो गया ऊपर वाला। अब जो भी है, आई डोंट नो, हम तो कोई बहुत ज्ञानी आदमी नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हम्बल, आई एम फार फ्रॉम हम्बल, बट द पॉइंट इज एज आई एम बिकमिंग ओल्डर एंड नियरिंग द एंड, तो आई एम, लोग कहते हैं दैट अ ग्रेट रनर गेट्स द बर्स्ट एट द टिप, अ ग्रेट रनर, एन ऑर्डिनरी रनर फ्लैग्स बिफोर दैट। तो आई होप आई एम अ ग्रेट रनर, आई वुड लाइक टू गिव द लास्ट बर्स्ट एट द एंड व्हेन द लाइन इज अप्रोचिंग। कुछ और बाकी है अभी हम लोग को देखने के लिए, कुछ और बाकी है, तो हो सकता है हम लोग फिर एक बार और। एंड आई लव हजारीबाग, आप सबको बहुत धन्यवाद, मेरा हार्दिक प्यार, जय हिंद। चलिए, तो आज हम लोग संस्कृति आए थे हजारीबाग में, जो बहुत ग्रीन एरिया है, ये बुलु इमाम, पद्मश्री बुलु इमाम जी का घर अब यहाँ है, इन्होंने पूरा जीवन यहाँ पे व्यतीत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फैज अनवर, जोहार, हजारीबाग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द स्वीट इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच तमीम।